दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ MIUI के अल्फा लॉन्चर का न्यू अपडेट 4.21.0.24.40। इससे पहले जो अपडेट था दोस्तों सारा वर्जन सेम था, सिर्फ यहाँ पर 24.25 था और ये 24.40 का अपडेट है। दोस्तों ये 30 तारीख का अपडेट है और आज यहाँ पर डेट आप देख सकते हैं 31 अक्टूबर आज है यहाँ पर डेट, और ये 30 अक्टूबर का अपडेट है, मतलब कि ये 30 अक्टूबर के रात को ये अपडेट आया था और आज 31 अक्टूबर के सुबह को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको टोटल फीचर्स इसके बारे में बताने वाला हूँ कि इस अपडेट में आपको क्या कुछ नया फीचर देखने को मिल जाता है, क्या क्या इंप्रूवमेंट मिल जाता है और क्या क्या बग ऐसा है जो कि इस अपडेट में देखने को मिलता है जो कि पिछले अपडेट में देखने को नहीं मिलता था, और क्या क्या ऐसा बग्स था जो कि पिछले अपडेट में था मगर इस अपडेट में आपको फिक्स देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों सारा इन्फॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में पता चलने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर जरूर देखते रहिए। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लीजिए, उसको रख लीजिए, नहीं तो आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को मिस कर देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप इस अपडेट को इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने डिवाइस में तो आपको सबसे पहले आपको मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। तो सबसे पहले आपको मेरा लिंक मिल जाएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन से आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 790 सब्सक्राइबर यहाँ पर है, तो इसको ज्वाइन कर लेना होगा। तो यहाँ पर मैं वो फाइल आपके सामने अभी यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये वो फाइल है जो कि मैं आपके सामने यहाँ पर अभी शेयर कर दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय इसे शेयर कर रहा हूँ, तो हो सकता है तो वीडियो जब पब्लिक होगा उससे पहले आपका ये शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब भी जाकर चेक करोगे आपको यहाँ पर वो फाइल मिल जाएगा। तो इसको सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है और इसे डाउनलोड करना है, और सिंपली जिस तरह से इंस्टॉल करते हैं उसी तरह से इंस्टॉल कर देना है। इससे पहले भी दोस्तों मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि देख सकते हैं आपको इस न्यू अपडेट में आपको इस अपडेट में इससे पहले वाला जो अपडेट था उसमें आपको ये देख सकते हैं ये APK है पिछले अपडेट का जो कि मैंने दिया था, जिसमें कि 1100 व्यू है, और उसमें मैंने बताया था आपको कि इस टाइप का कुछ आपको रिसेंट मेन्यू देखने को मिलता है जो कि बहुत सारे डिवाइस में सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारे डिवाइस में सपोर्ट नहीं भी कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने वीडियो बनाया कि सभी में किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, और भी बहुत सारे वीडियो मैंने बनाया है, ठीक है। तो मगर दोस्तों क्या हुआ था कि बहुत सारे डिवाइस में ये सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो अभी है सभी डिवाइस में सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये क्या हो रहा है कि ये 34 बिट्स वाले डिवाइस में सपोर्ट नहीं कर रहा, सिर्फ 64 बिट्स वाले डिवाइस में सपोर्ट कर रहा है। हालांकि और बहुत सारे लोग ऐसा भी कमेंट कर रहे हैं कि भाई हमारा एंड्रॉयड 10 नहीं है इसीलिए सपोर्ट नहीं कर रहा है, बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई MIUI 11 में इसीलिए सपोर्ट नहीं कर रहा है, MIUI 12 में सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं MIUI 11 में इसे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट। तो देख सकते हैं कुछ थोड़ा बहुत लेग तो ये कर रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर देख सकते हैं आप मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको अपना दिखा देता हूँ कि मैं कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अपडेटर ऐप को ओपन करता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं MIUI 11 में यूज़ कर रहा हूँ और MIUI 11 में मेरा ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इससे तो ये प्रूफ हो जाता है कि MIUI 11 रहे चाहे 12 रहे सभी में ये सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा आपके डिवाइस में, क्योंकि आपका डिवाइस 34 बिट्स का वाला डिवाइस होगा इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहा, 64 वाले बिट्स के लिए अभी नहीं आया, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि भाई हमारा कब मिलेगा, ठीक है, हमें सभी डिवाइस में कब तक ये मिलेगा, कब सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अभी दोस्तों ये दूसरा अपडेट आया है इसका, तो जो कि जिसके बारे में ये वीडियो मैंने बनाया है जो कि अभी बता रहा हूँ मैं इस वीडियो में, तो ये दूसरा अपडेट आया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक या दो और अपडेट आएगा, उसके बाद दोस्तों आपको 34 बिट्स वाला अपडेट भी आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आएगा अपडेट सबसे पहले आपको उसकी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिल जाएगी। तो उसके लिए दोस्तों चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक करके रख लीजिए ताकि ऐसी ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है। और अगर बात करें इसके फीचर्स की तो दोस्तों इसमें सारा फीचर आपको सेम मिलता है, कुछ भी आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, सारा फीचर सेम मिलता है, कुछ भी फ़र्क देखने को नहीं मिलता है। यही फीचर दोस्तों मिलता है आपको जो कि एक मिनट, दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लेगिंग इशू भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यही आपको जो रिसेंट मेन्यू है ये देखने को मिलता है आपको नया, दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लेग कर रहा है यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों ये सभी लेग दोस्तों पिछले अपडेट में नहीं था, ठीक है, पिछला जो लॉन्चर का अपडेट था का वीडियो मैंने बनाया था उसमें इतना ज़्यादा लेग नहीं कर रहा था दोस्तों, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा लेग कर रहा है। तो हो सकता है नेक्स्ट अपडेट में इसे फिक्स कर दिया जाए, ठीक है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लेग कर रहा है, तो लेगिंग तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुका है। और दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसा भी बोल रहे थे कि भाई हमारा प्रॉब्लम हो गया है ये, मतलब इसका वजह से फोर्स मतलब क्या हो रहा है कि रिसेंट मेन्यू आ ही नहीं रहा है। तो उनके लिए मैं बता दूं कि अब अनइंस्टॉल अपडेट पर क्लिक करना होगा और ओके कर देना होगा, उसे आप पुराने वर्जन में चले जाएंगे जिससे कि आपका सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना, दोस्तों छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। तो वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके रख लीजिए।
तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।